दोस्त हूं, मैं पंडित ब्रजभूषण शर्मा। आज के माहौल को देखते हुए मुझे ये लोशुक गेट के तहत ये वीडियो बनानी पड़ी, क्योंकि काफी मेरे पास फोन आ रहे थे कि गुरुजी हमारे बच्चे को किस क्षेत्र में डालें, क्योंकि इंटर के एग्जाम होकर हटे हैं और हर आदमी ये चाह रहा है कि मेरा बच्चा सही दिशा में जाए। मैं ये तो समझ सकता हूं कि पहले से काफी लोग परिपक्व हैं और एग्रेसिव भी हैं और जानना भी चाहते हैं। ठीक है, धीरे धीरे विकास होता है, एकदम से नहीं हो पाता। एजुकेशन ने बहुत विकास करा है। दोस्तों, मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि कौन व्यक्ति प्रोफेशनल होते हैं, और उसके बाद मैंने ये बताया कौन व्यक्ति व्यापारिक नजरिए के नेचर के होते हैं। अब इस कड़ी के तहत मैं तीसरी बात आपको बताने जा रहा हूं, कौन व्यक्ति नौकरी करते हैं और कौन व्यक्ति सरकारी नौकरी करते हैं और कौन व्यक्ति दूसरे से काम निकालते हैं, खुद आराम से बैठे रहते हैं। इसी तरह के मैं आपको कई बातें बताने की इच्छा रखूंगा। तो सब में पहले तो मैं बताना चाह रहा था कि कौन व्यक्ति नौकरी करते हैं। देखो दोस्तों, नौकरी का सबसे बड़ा कारण कौन होता है? नौकरी, नौकरी, इसका मालिक होता है सेवक, इसका मालिक होता है शनि। जिस तरह से व्यापार का मालिक बुध होता है और प्रोफेशनल का मालिक सूर्य होता है, उसी तरह से नौकरी का मालिक शनि होता है। दोस्तों, यदि आपके कुंडली के अंदर शनि अच्छी स्थिति में बैठा है तो आप एक अच्छे सर्विसमैन, अच्छे ओहदे पर सर्विस करने वाले व्यक्ति बनेंगे। भले ही उसके साथ आप व्यापार कर लें, लेकिन आप एक अच्छे ओहदे के नौकरी करने वाले कहलाएंगे, क्योंकि शनि एक राजा है। शनि अगर अच्छा होता है तो व्यक्ति को करोड़पति खरबपति बना देता है, और शनि खराब होता है तो जमीन पर लगा देता है। ये आप सब जानते हैं, शनि सेवा का कारक है। शनि के साथ साथ जब एक नंबर सूर्य भी जुड़ जाता है, जब एक नंबर सूर्य भी जुड़ जाता है तो उसकी जो एनर्जी होती है वर्किंग की, वो बढ़ जाती है, क्योंकि शनि एक अंधेरा ग्रह भी है और एक नंबर सूर्य प्रकाश है। अंधेरा जब प्रकाश की तरफ चलता है तो उसकी हौसला हिम्मत बढ़ती चली जाती है। फिर आता है छह नंबर। अगर छह नंबर है तो ऐसा व्यक्ति पैर से चल के मेहनत करके काम करने में विश्वास करता है। छ एक आठ होना इन बातों का संकेत करता है कि यह व्यक्ति नौकरी ही करेगा, नौकरी ही करेगा, क्योंकि ये प्लानिंग करता है, एक्शन लेने में विश्वास करता है। जितना इसका योग ठीक पाया जाएगा डेट ऑफ बर्थ के अंदर, वो सफल और निपुण सर्विस में कहलाएगा। दोस्तों, किसी कारण से 3816 नंबर आपके पास आ रहे हैं, ऐसा व्यक्ति मेहनत खुद कम करेगा और दूसरों से मेहनत करके काम करवाएगा, जैसे ठेकेदार होते हैं। क्योंकि ठेकेदार तीन नंबर के अज्ञान, वो दूसरों से अपने काम को निकालने की सामर्थ्य रखता है, वो मजदूर को लगा के काम करवा लेता है। और मैंने क्या बताया, मजदूर क्या होता है? आठ नंबर शनि का रूप होता है। तो तीन गुरु है, अगर गुरु दबता है तो गुरु हावी रहता है, शनि दबता है तो गुरु से दबता है, क्योंकि गुरु भी ज्ञान है और शनि भी ज्ञान है। इसलिए एक इज्जत के तहत शनि ग्रह कभी भी गुरु का विरुद्ध नहीं होता, सम की स्थिति रहती है। तो ऐसी स्थिति के अंदर ऐसा व्यक्ति काम निकालने के अपेक्षा रहेगा। और एक नई बात और बता देता हूं आपको इसी के साथ साथ, किसी कारण से किसी का आठ नंबर मिस हो जाता है और तीन नंबर होता है, ऐसा व्यक्ति अपने दिमाग से काम लेगा और ऐसा व्यक्ति क्या होगा, पसीना नहीं बहाएगा, आलसी हो जाएगा, हर काम करने में आलस मानेगा, वो चाहेगा रोटी भी मेरे मुंह में कोई आके डाल दे। दोस्तों, इन ग्रहों के योग
के बारे में हम जब चर्चा करते हैं, बारीकी से अध्ययन करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि वास्तव में लोश और ग्रेड या ज्योतिष का ज्ञान सशक्त है, सशक्त है। अगर जरा सा भी इसके अनुसार कार्य करें तो जीवन में हमें असफलता नहीं मिल सकती। दोस्तों, सूर्य राजा होता है। ऐसा व्यक्ति जब काम करता है तो निडर होकर काम करता है। तो मेरा कहने का भाव है, ऐसे व्यक्ति को सरकारी नौकरी, सूर्य राजा होता है, शनि सेवक है, जब राजा सेवक के रूप हो जाएगा तो उसे शनि का प्रभाव भी मिल गया, सूर्य का ही मिल गया, शुक्र का ही मिल गया, ऐसे व्यक्ति के सरकारी नौकरी मिलने की संभावना 100% होती है। तो इसलिए मैं आपसे ये कहूंगा, क्योंकि शुक्र ये निवेदन करूंगा कि जब भी आप ज्वाइनिंग करें या जिस क्षेत्र में जाएं तो इन नंबरों को चार्ज कर लें, यदि वो ऐसा व्यक्ति नौकरी करने में विश्वास करता है। दोस्तों, अगर कोई हार्ड वर्कर है, लेबर है, तो उसके 2, 8 और 4 इन तीन अंकों का मेल होगा। ऐसा व्यक्ति पूरा जीवन संघर्ष करता रहेगा, उसे कुछ नहीं मिलेगा। आप एनालिसिस कीजिए और कुंडली उठा उठा कर देखिए, आपको ज्ञान माल हो जाएगा सच क्या है, सच क्या है। मैं इसी आशा और विश्वास के साथ आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर यह बताना पसंद करूंगा, किसकी शादी सफल होगी, किसकी असफल होगी, और कौन से नंबर हमारे लोशो ग्रेड में लकी है। तो इसी तरह मैं आपको ऐसी ऐसी वीडियो डालता रहूंगा, और आप लोग मेरे चैनल पर जाके वीडियो देख सकते हैं। और मैंने सुशांत जी के बारे में डाली है तो बहुत लोगों ने पसंद करी है और बहुत लोग देख रहे हैं। मैंने जिस दिन उनकी हत्या हुई थी उसी दिन डाल दी थी, और मैंने कारण बता दिया था ये कारण, जबकि वही कारण सिद्ध हुआ। तो मैं आपसे आशा करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखें दोस्तों, देने से कभी कुछ नहीं घटता, नियत आदत बनती है। जो व्यक्ति को देने की आदत बन जाती है वो जीवन में सदा सुखी रहता है, और जिस व्यक्ति को लेने की आदत बन जाती है वो जीवन में कभी सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि किसी भी चीज को छोड़ने में जो मजा आता है वो चीज को इकट्ठे करने में नहीं आता। तो मैं आपसे फिर निवेदन करूंगा, मेरी नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को।